هیچ چیز میره عزیز. अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, तो क्या हालचाल है? अर्थ फाइनली आपका भाई आ गया एक और न्यू स्पेशल वीडियो के साथ। यार इतने कमेंट्स जो आ रहे हैं ना प्रीमियम क्रिएट और मिथिक फोर से रिलेटेड, इतने कमेंट्स आ रहे हैं कि पूछो मत। और एक और चीज़ से रिलेटेड भी आ रहे हैं जो व्हाट्सअप का चैनल है। सारे के सारे चीज़ें इस वीडियो के अंदर क्लियर कर लेते हैं, मतलब जो हमारा तुक्का वाला सीन था वो कहाँ तक पहुँच गया। और फिर उसके बाद अगर बात की जाए न्यू अपडेट का, जो रिलीज डेट है ना वो कौन सा होने वाला है, वो भी इस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा सीन क्लियर करने वाले। ठीक है, एक भी चीज़ नहीं रहेगा। और इनमें से कुछ चीज़ें हैं जो कल मैंने बताया था कि ग्रोज़ा वाली चीज़ें क्यों नहीं भेज रहे पबजी वाले, जो UMP के बीजे है, जो UMP के मेरे पास भेज दिए मेल सेक्शन में। तो अब ग्रोज़ा भी फाइनली आ चुके, वो भी स्काउट कर लेते हैं। तो चलो आगे देखते हैं। आगे जाने से पहले एक लाइक जरूर ठोक देना, और अगर चैनल पर आए तो सब्सक्राइब भी करो बेल नोटिफिकेशन के साथ साथ। वो लिंक जो है ना पिन कमेंट में तुम्हें देखने को मिल जाएगा। अब कुछ ज़्यादा ही बंदे बोल रहे हैं कि भाई जो आपका व्हाट्सअप का चैनल है वो इस टाइम पर जो है ना ज्वाइन नहीं हो रहा, तो अब इनमें से तुमने क्या करना है, ये जो सिंपल सा व्हाट्सअप है ना इसके ऊपर क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करो, फिर आप इधर आ जाओगे, फिर व्यू चैनल पे क्लिक करना है, फिर ये सिंपल से व्हाट्सअप पे क्लिक करना है। अब उसके अंदर कुछ चीज़ें मतलब इधर के उधर थे, तो ये जो है ना मैंने दोबारा एक न्यू बनाया, इधर तुम लोग आ सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिका प्रीमियम क्रिएट साइट से मिलता है, वो तो बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। और फिर उसके बाद इसका हमने क्रिएट ओपनिंग भी किया था दोस्त के अकाउंट पर, उसके अंदर निकली थी और मेरा नहीं निकली थी, यही वाली ग्रोज़ा। और मैंने थोड़े बहुत क्रिएट करे थे और मुझे फिर से रिटर्न UCB नहीं मिल रही थी, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो अब फाइनली भाई मेल सेक्शन में मैं दिखाता हूँ, UMP के बाद डायरेक्टली इस तरह के सारी चीज़ें आ गए। ठीक है, तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ इससे रिलेटेड, मतलब कुछ अल्पास है ही नहीं इससे रिलेटेड कि मैं बोलूँ। फाइनली आ गए, अगर ये लेवल 1 पे होती फिर मज़ा आ जाता। अब अक्सर बंदे बोलेंगे कि भाई मिक्स दे रहे तो फिर आपको लेवल 1 की क्यों चाहिए, क्योंकि अगर मैं उसको एक लेवल ऊपर करूँ ना फिर ये चीज़ परमानेंट हो जाता है। तो अब नहीं दे रहे क्या करे, अब इनको भी पता चल गया, अभी जो है ना इस टाइम पे मिक्स भेज रहे, तो अब सिर्फ और सिर्फ रिव्यू करने के लिए, तो और वो भी इतना लेट। खैर और कुछ नहीं बोल सकते, एक चीज़ बोल सकते हैं कि भाई अगर ये चीज़ें भेजने हैं ना उसी टाइम पे भेजो, ठीक है, उसी टाइम उसी दिन पे भेजो, ताकि बंदे भी उस दिन पे देख ले और भी भाई सारी की सारी चीज़ें इधर से उधर मतलब क्लियर हो जाए। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इधर दिखाता हूँ किस टाइम पे क्या क्या मुझे मिला है। एक मिल गया ये वाला सेट, और ये जो कल मिले थे वो चीज़ें तो कल वाली वीडियो के अंदर मैंने दिखाया, अगर किसी बंदे ने नहीं देखी है तो जाके देख सकते हो। वो मिथिक की मिथिक मतलब मिथिक आइटम्स उसके अंदर ज़्यादा थे। एक हो गया ये वाला हेडगियर, और एक ये वाला बैकपैक मिल गया, ओके। और फिर उसके बाद ये वाला UMP का स्किन भी हमें मिला था एक दिन पहले, और एक जो है ना ये ग्रोज़ा का स्किन। अरे भाई अगर मुझे इतना पता होता कि पबजी वाले इतने मेरे सुनते हैं ना, तो इसके बाद हम बोलेंगे कि भाई डायरेक्टली ग्लेशियर ही दे दो, मतलब क्रेट के अंदर। ठीक है, मुझे नहीं चाहिए क्रेट के अंदर, ताकि बंदी फिर से क्रेट ओपनिंग करे चांस पे। तो अब ये वाली ग्रोज़ा जो है ना हमारे पास इस वक्त आ चुकी है मैक्स, अगर लेवल 1 होती फिर तो मज़ा आ जाता। तो अब एक और चीज़ बताता हूँ जिस बंदे की भाई कुछ ज़्यादा ही क्लोज है ये वाले क्रेट्स, वो लाजमी से चीज़ें रिडीम कर लेना, क्योंकि 2 दिन और भी रहते हैं इस टाइम पे जो तुम वीडियो देख रहे हो, इसके बाद जो ना कुल मिलाकर 2 दिन और भी रहते हैं। तो अब मेरा फाइनली ये वाला जिम निकल गया था, तो अब इसके अंदर एक ही चीज़ जो मतलब मेरे हिसाब से मेरा फेवरेट था या फिर जो मुझे अच्छा लग रहा था पर्सनली, मुझे जो है ना इमोट्स वगैरह कुछ ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं, तो अब इसलिए ये वाला इमोट कभी भी टाइम मतलब किसी भी वक्त मिस नहीं करना चाहता था मैं, तो इसलिए फाइनली ये हमारे पास आ चुका है। डेली 10-10 वाला मैंने किया था, पहले दिन पे मैंने 1-10 वाला खोला था, ठीक है, और फिर उसके बाद डेली मैं 10-10 वाला कर रहा था। ठीक है भाई, तो फाइनली आ चुका है हमारा इमोट, तो अब ये वाला इमोट की भी कहानी इधर से हो जाती है क्लियर। तो अब कमेंट सेक्शन में लाजमी से बता देना कि किस किस बंदे ने मतलब किस किस ने ये वाला इमोट इस वक्त निकाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लगाते ही इधर, अब इसकी भी कहानी इधर से हो चुकी है क्लियर। यार वैसे जो है ना बेस्ट है, और इसका जो है ना एक ग्लिच भी है, अगर तुम ये वाला इमोट करोगे TDM के अंदर जो है ना बंदा तुम्हें फिनिश नहीं कर सकता। तो अब आते हैं भाई इसके अंदर और कोई चीज़ रह गया था, इनमें से जो अभी चीज़ें आया था ना अक्सर चीज़ें मेरे पास परमानेंट भी पड़े हैं। तो अब प्रीमियम क्रिएट से पहले अब अक्सर बंदों को पता होगा, क्योंकि 2-3 वीडियो के अंदर और भी मैंने बताया कि कहाँ से हम उठा सकते हैं प्रीमियम के क्रिएट। ठीक है, अगर फिर भी आप उठाना चाहते हो मतलब अचीवमेंट्स हो गए उधर जो है ना शॉप के अंदर भी मिल रहे हैं, शॉप के अंदर से भी आप अच्छे खासे उठा सकते हो। ठीक है, और जो मिशन है ना उसके अंदर भी तुम्हें रिकॉल इवेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। तो अब कुल मिलाकर सारे के सारे जो मैंने उठाए कुल मिलाकर 69 हो चुके। ठीक है, हालांकि मैं UCB लगाता हूँ इसके ऊपर, इधर भी लगाता हूँ, मतलब इसके अंदर भी हमें मिल जाते हैं डेली। और इधर एक और चीज़ भी बताता हूँ, अब इधर इस वाले शॉप से भी कुल मिलाकर हमें 2 प्रीमियम के क्रेट देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो रिकॉल इवेंट का शॉप है, मगर एक और चीज़ मैं तुम लोगों को बताऊं, जो कुछ दिन पहले मैंने वीडियो के अंदर बताया था
कि इधर सब्सक्रिप्शन के अंदर भी हम उठा सकते हैं। अगर इधर 5 या फिर 6 या फिर 10 यूसी तक शो कर रहा है फिर परचेस कर लेना, वरना मैं खुद भी नहीं करता। अगर 10 यूसी से ऊपर हो ना फिर मैं खुद भी नहीं करता। तो अब आते हैं जो हमारा तुक्का वाला सीन था वो कहाँ तक चला गया। देखो भाई, ये चीज़ें जो है ना ये अभी तक कन्फर्म नहीं है, ये वाली लीक्स, क्योंकि कुल मिलाकर 4 दिन का ही टाइम है, ठीक है। मतलब आज भी आ सकते हैं, कल भी, तीसरे दिन भी चौथे दिन भी, कुल मिलाकर 4 दिन का टाइम है। 4 दिन में हमारे सारे के सारे लीक्स आ जाएंगे, रॉयल पास के हो गए, मिथिक पोर्च के हो गए और प्रीमियम के हो गए। और जो तुक्का वाला सीन है ना, वो एक हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये वाली मिनी पोर्टिन आ सकती है, वो इसलिए क्योंकि विंटर वाला जो मोड है ना वही हमें देखने को मिल रहा है। और इससे पहले उस टाइम पे कंफर्म नहीं था कि विंटर मोड आ रहा है कि नहीं, उस टाइम पे हमने बोला था कि एक ये वाली मिनी पोर्टिन है जो आइस स्कैन मिनी पोर्टिन के नाम से। इसका किल मैसेज जो है ना बढ़िया है, अगर ये चीज़ आ जाए ना इसके किल मैसेज के साथ साथ जो है ना पूरा का पूरा पैसा वसूल है। और फिर उसके बाद अगर बात की जाए इंटरवोरन में से, ये वाला नहीं आ सकता 100%, क्योंकि ये पहली बार आया था, ठीक है, पहली बार प्रीमियम क्रेडिट के अंदर आया था। ये वाला इंटरवोरन आ सकता है, ठीक है, ये वाला इंटरवोरन जो है ना आ सकता है। ये भी लेवल 7 का है और वो भी आई थिंक लेवल 7 का है जो मिनी पोर्टिन है। तो अब पार्टी पार्सल वाली या फिर वो वाली मिनी पोर्टिन, इन दोनों में से कोई एक, खैर कमेंट सेक्शन में बता देना कि कौन सी वाली बेस्ट है। और एक और चीज़ बताता हूँ भाई, देखो ग्लेशियर में से एक एम भी है और इम्पोर्ट 16 भी है। इम्पोर्ट 16 तो आ रहा है चांस में, वो तो प्रीमियम के अंदर नहीं देंगे, और एक एम से हाथ धो के बैठो क्योंकि वो जो है ना वो नहीं दे रहे पबजी वाले। और ये वाली जो है ना ये भी लेवल 7 की आईसिकल वाली, जहाँ तक मुझे लग रहा है आ सकती है भाई। फिर भी कन्फर्म लीक्स जो है ना कुछ दिन में क्लियर हो जाएंगे, या फिर जो भी लीक्स पहले आते हैं वो सारे के सारे वो जो व्हाट्सअप का चैनल होता है ना उसके अंदर मैं डालता हूँ, ठीक है, उधर जो है ना पिक्चर वगैरह मैं शेयर करता हूँ, उधर से भी देख सकते हो। तो अब अगर मिथिक पोर्च की बात की जाए, वो भी आज से लेकर आज, कल, परसों और तीसरे दिन, चौथा दिन, मतलब चौथे दिन तक जो है ना ये भी क्लियर हो जाएगा। तो अब इसके लिए भी वो व्हाट्सअप वाला चैनल ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि लीक्स जो है ना कभी कभी रात के टाइम पे आते हैं, मैं डायरेक्टली उधर ही पोस्ट लगाता हूँ। तो अब आते हैं भाई इधर एक और चीज़ के बारे में भी बातचीत कर लेते हैं, जो 2.9 अपडेट है उसका रिलीज डेट कौन सा होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ग्लोबल की बात की जाए, 7/11 मतलब सलाह अपडेट जो विंटर वाला अपडेट है, ठीक है, फिर उसके बाद जो है ना वो 9 तक चलेगा। तो अब 8 पे जो है ना वो के आर का ही आता है बीच में से, और फिर उसके बाद 9 तक जो है ना iOS वगैरह सब का ही क्लियर हो जाता है, ठीक है भाई। फिर उसके बाद iOS का भी इधर दिखाता है, मतलब 7 पे, मगर वो 7 पे नहीं आता है, लास्ट डेट पे ही हमें देखने को मिलता है। फिर उसके बाद विदाउट VPN, अगर कोई भी VPN आप नहीं लगाते हो वेबसाइट वगैरह पे जो है ना पबजी वालों का, उधर भी तुम्हें देखने को मिल जाएगा, ठीक है, उधर से भी तुम 9 से अपडेट कर सकते हैं। मगर इसका ट्रिक वगैरह तो सब कुछ मैं बताता हूँ कि तुमने कैसे करना है। तो अब हमारा जो है ना जो ट्रिक का सीन है वो कुल मिलाकर 8 से शुरू जो है ना हम उस पर वर्क करेंगे, और उसी दिन पे सबका ही हो जाएगा अपडेट, ठीक है भाई। और iOS का जो है ना वो एक दिन लेट ही होता है। और फिर उसके बाद VN का जो है ना वो 7 भी आता है, वो सिर्फ और सिर्फ रिव्यू के लिए ही हमें देखने को मिल जाता है। और फिर उसके बाद जो कुछ और साइट भी मिलते हैं वो कुल मिलाकर 9 तक वो भी क्लियर हो जाएंगे। और इनमें से BGMI वाले जो है ना हाथ धो के बैठो, क्योंकि वो जो है ना कुल मिलाकर इस टाइम भी 1 मंथ पीछे, खैर ऐसा ऐसा वो भी 7 हो जाएंगे। तो यार भाई साहब इसकी पूरी की पूरी कहानी मिथिक पोर्च की भी हो गई क्लियर, के कुछ दिन में आ रहे हैं, ठीक है। और प्रीमियम का जो है ना अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, वो जो है ना कन्फर्म नहीं है ये वाला। फिर भी हमारा जो तुक्का वाला सीन है वो थोड़ा बहुत और भी आगे चला गया, कुल मिलाकर 90% चांस है कि यही मिनी पोर्चन या फिर 2.9 इन दोनों में से कोई एक आ जाए। और फिर उसके बाद अगर बात की जाए भाई व्हाट्सअप चैनल की, वो भी इस वक्त जो है ना मैंने न्यू बनाया, क्योंकि उसके अंदर कुछ ग्लिच वगैरह थे, उसके थ्रू बंदे ज्वाइन नहीं कर सकते थे। तो अब जो भी चीज़ें जल्दी आते हैं ना कोई, या फिर कोई पिक्चर आता है मतलब रात के 12 बजे इस टाइम पे, वो डायरेक्टली मैं उधर ही पोस्ट कर देता हूँ, उधर से भी तुम लोग देख सकते हो, ठीक है। तो इसलिए ज्वाइन कर लेना अगर अच्छा लग रहा है तो। तो ये रही भाई साहब हमारी आज की वीडियो, अगर पसंद आई हो लाइक एंड सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन के साथ साथ। तो इंशाल्लाह हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखना और हम भी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।